नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज है नवरात्रि का तीसरा दिन, और तीसरा दिन है, काम तो हो गए हैं लेकिन बच्चे बहुत लेट सो के उठे हैं, इस कारण से मेरे काम बहुत लेट हो जाते हैं। मुझे नहाने धोने में बहुत समय हो जाता है। रिद्धि अभी उठ रही है 9:30 बजे, दूध चोकोस खा रही है। ये सांप को मैं आप भी उठा के लेके आ रही हूँ नीचे, देखिए क्या। नमस्ते करो, गुड मॉर्निंग बोलो बोलो। कुछ नहीं बोलता ये लड़का, मैनर्स लेस एकदम। ठीक है, ये आलू का पराठा है। हाँ? पराठा है? ये पराठे का मसाला है, बना रही हूँ। तो भी दादी बना रही है। कढ़ाई प्याज कढ़ाई में डाली हुई हरी मिर्ची, गोंदन का पाला, इधर पोहा बना रही हूँ। वो पोहा मंग रहा है। आलू उबाल के फटाफट क्या करना, बच्चे मंग रहे हो तो बनाना पड़ता है। एक दुबू के लिए सादा सिंपल पोहा, एक मिर्ची का थोड़ा, आलू थोड़ा सा, प्याज और जीरा डालिए, और ये आलू का मसाला। ये दादी हाथ से पकड़ो कढ़ाई, गर्म नहीं लग रहा? लगता तो लगते रहे। ये धनिया पत्ती थोड़े से पोहे में डाल दीजिए धनिया पत्ती। ये बन गया आलू का मसाला। अभी ठंडा हो जाएगा तो ये बनाएंगे पराठे नहा कर आके। जब घर में है तो समय हो जा रहा, सो के नहीं उठते इन लोग। 10-10 बजे सो के उठते, 12 बजे नाश्ता बनता है, क्या बोलेंगे। अंगड़ाई आ गई बहुत ज्यादा, कोई भी काम समय पे नहीं हो रहा। ये कोई काम समय पे हो रहा होगा, हर काम लेट। तो अभी आई हूँ मैं दुकान से दही लेके, मीठी वाली आलू के पराठे। इन लोगों को मीठी दही में पसंद है इसीलिए। और रिद्धि ने बोली आलू के पराठे खाऊंगी, पोहा नहीं खाऊंगी, पराठे नहीं खाऊंगी, मतलब सब्जी पराठे नहीं खाऊंगी, इसीलिए मुझे आलू के पराठे की तैयारी करनी पड़ी। और डुगू को खाना था पुआ, तो मैं नहाने गई तो मम्मी ने इसको पुआ बना के दी, और तब तक आलू भी फ्राई कर दी, है ना। आलू ठंडे हो गए हैं, मैं आटा वगैरह करके गई थी, ये आटा इसे पराठे सेकना है अभी। तो आज है नवरात्रि का तीसरा दिन, आज ग्रीन कलर है। मेरी ननद ने मुझे बोला कि भाभी आप नवरात्रि के कलर के हिसाब से साड़ी पहनो करके, तो आज उसके डिमांड पे मैं आज ग्रीन साड़ी पहनी हूँ। आज ग्रीन कलर है क्योंकि, ठीक है, कल क्या है पता नहीं, कल देखेंगे। तो आज हर्षु देख ग्रीन साड़ी पहनी हूँ मैंने, ठीक है। तो मैं अभी आलू के पराठे की तैयारी करती हूँ, मतलब बनाती हूँ पराठे, बाकी सब तो हो चुका है, बने रहे मेरे साथ। रिद्धि चल नाश्ता नहीं, एक्चुअली खाना ही है, पेट भर के खाओ। नहीं मालूम चटनी की है इसकी, खटैया में करी होंगी। खटैया नहीं है, खटिया खटिया। तो ये होगी रिद्धि की प्लेट तैयार। रिद्धि खा के बताएंगी कैसा बना। वैसे तो आलू मम्मी ने बनाई है तो अच्छा बना है। बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। तुक्का लगा ली मैंने, तुक्का खाई थी दादी ने बनाया। मम्मी ने अच्छी खासी रोटी को अकड़ा जाने वातड़ कर दी, बोलती मम्मी। वातड़ वातड़ मतलब क्या होता है? चामट सूख गई। चार पापड़ लगती ना, पापड़ लगती ना, वैसी कड़क लगती। अरे लेकिन दिमाग खराब कर दी पूरा, घी लगा था उसमें घी। दादी की फेवरेट डायलॉग है गधी की डैश 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 डैश। दिमाग खराब कर दी इसने मेरा। ये अम्मा की चाय, चाय देखो, जब खाना रहा तो चाय तुझे देती, और पीना रहा तो कप भर के देती है।
पता नहीं कब सुधरेगी। ये दोनों के गुनाह खाना रहा तो बहुत सारा। अरे जब वही रहने दे अभी जल्दी हटा। अरे क्या है जी तुम्हारा, कितनी सारी चाय कहाँ सूखी, जब चाय पीती हूँ तो इतना भर के देती, कुछ खाना रहा तो इतू सी देती, अब इसको कौन सुधारेगा। ये तो ये पूरा कड़क पापड़ बना दी इसने जवारी की रोटी का, बाहर रख दिया औरत ने खाना था डब्बे में था वो कड़क, डब्बा घूमने गया था आज रोटी का बाहर, दिल्ली गया था दिल्ली बाहर निकल के, वो पता कब फूलेंगी कल तक, फिर श्रीनगर गया था वो, फिर अमरावती। अभी मैं मालपुआ बनाने जाने वाली हूँ, बनाना तो है, बता मत। अभी पक्का नहीं है, अभी दिमाग में चल रहा है अभी फिलहाल क्या बनाना है। चल रहा है फिर दौड़ेगा, फिर वो बैठ जाएगा, फिर पानी पिएगा, फिर पूछेगा बनाऊं। अभी मम्मी से सलाह मशवरा करती हूँ मैं, मशवरा मम्मी बता दी ना मैंने कैसे बनाना। हाँ मैंने नहीं बनाई आज तक, नहीं बनाई कितने साल हो गए मम्मी ये मालपुआ बन के घर में, बहुत साल हो गए अभी तक मालपुआ बना नहीं है। मैं अरे यार ये चक्कर में तो कुछ बना नहीं पाते, कौन सा फंक्शन है कौन सा फंक्शन है, मेरा बर्थडे समझ लो। मैं नियमित क्या बोल रही है, पुआ बोल रही है पगली है, कान में ना दोनों के कान में हड़ताल है। बिहारी भाषा में ठेकुआ बोलते रोड को। ठीक है मालपुआ बनाना है कि नहीं बनाना है अभी मैं देखती हूँ, उसके लिए वो जो सामान चाहिए वो है क्या, अगर है तो मालपुआ डन, नहीं है तो फिर छोड़ दो बंद, फिर वही है नॉर्मल अपना दाल चावल सब्जी रोटी खाओ और सो जाओ। नहीं मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में, ठीक है। तो चाय पी गई मम्मी गई है गार्डन की तरफ घास निकालने, चलो मैं भी चलती हूँ। टमाटर लगे हैं लेकिन अभी पके नहीं है, ये रोज साफ कर दी मम्मी ने पूरा, जितना घास निकाली। ये काय के झाड़ी जी, ये कौन से बैगन है, तो पहले घास निकाल रही फिर डालते हैं, घास से परेशानी बहुत है, बहुत घास निकल जाती है, कितनी घास निकाली देख। खड़े होके डांस करके दिखा मारा, डांस कर बोला, अरे देखो दिखा, आगे बोले आगे आगे शाम को, अरे वेरी गुड, अरे 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 गाड़ी आ रही गाड़ी आ रही गाड़ी आ रही गाड़ी आ रही बाबू को, इधर 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 डांस कर, डांस बजा के दिखाओ, पिक पिक बजा दिंगी से क्या, अरे वाह क्या बात है क्या बात है, अरे क्या गिरेगी बाबू, गोल गोल नहीं घूमना, इधर 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 आ जा, रोड पे नहीं जाना, रोड पे नहीं जाना बाबू, अपना ही रोड है बाबू, बजाओ। तो मालपुआ की तैयारी करती हूँ मैं, थोड़ा सा मैदा रखा हुआ है, ठीक है इतना मैदा है, पूरे का बनाती हूँ मैं क्योंकि खाने वाले सभी हैं, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ मैं, देखते हैं कैसा बनता है। ठीक है ये इतना मैदा निकला, इसको आलू के भजिए का जैसे बैटर रहता है ना वैसा इसको करना है। ये दूध है, दूध और पानी दोनों मिक्स करके इसमें इसको फेंटना है, और ये मेवे हैं काजू और बादाम है सिर्फ अभी तो फिलहाल, तो ये डाल देती हूँ मैं इसमें। अभी मैं शक्कर डाल देती हूँ, मैं शक्कर मोटी है इसलिए ज़्यादा नहीं डालूँगी मैं बस, और ये दूध, दूध से फेंटना है इसको,
ये बहुत अच्छा है, इसे बहुत अच्छे से फेंटना हो जाता है। इसको मैं रेस्ट करने रख देती हूँ एक आधी एक घंटा करीबन, उसके बाद में इसको बनाऊंगी मैं। मम्मी पूजा कर रही है, एक्चुअली मम्मी के सामने बनाऊंगी मैं, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो मेवे पीस के डालना था, मैंने वैसे डाल दी काट के, फूटते है बोलते काटने से, देखते हैं भगवान भरोसे टेस्ट अच्छा रहने को ना। बस एक ही जगह रखना पड़ता, डालना पड़ता, एक ही जगह डालना पड़ता है इसको। क्या बढ़िया बना, देखो मेवे कहीं से भी नहीं निकले, अभी तो मस्त लगेंगे ना मेवे मुंह में आएंगे तो। मेवे नहीं आएंगे अंदर। अरे वाह, बहुत पफी बनाएंगे पफ, देखा मम्मी मेरे हाथ का। जब कुछ अच्छा बने ना तो अच्छा लगता है ना। फर्स्ट टाइम बना रही हूँ तो फर्स्ट टाइम में अच्छा बन गया। बैटर के ऊपर रहता है पूरा, बैटर अच्छा बना तो वो तो बना ही नहीं अच्छा। तो बन गए मेरे मालपुए, थोड़ी शेप में आड़े टेढ़े बने, पर कोई बात नहीं, स्वाद तो अच्छा है ना, स्वाद अच्छा रहने को ना। नहीं ठीक है, अभी खाना बनाने की तैयारी करती हूँ मैं, क्योंकि इससे तो पेट नहीं भरने वाला है, ये तो ऐसे छो गया थोड़ा सा स्नैक्स टाइप का मीठा। तो अभी खाना बनाना है, अभी खाने में क्या बनाना है तो अभी देखती हूँ, मम्मी से पूछती हूँ। अभी हो रही है रात, मम्मी गए हैं चाची के यहाँ और यहाँ पे दादी बनाए हैं टमाटर का बेसन, टमाटर का बेसन जवारी की रोटी बना रही है। यहाँ पे बन रही है जवारी की रोटी, टमाटर का बेसन, ये रात का आज का हमारा खाना है। फिर मिलते हैं जब मम्मी आते तो। मम्मी ने बनाई है रात का खाना पूरा, चावल बेसन और जवारी की रोटी। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, हम मिलती हूँ कल सुबह आपसे। कल है नवरात्रि का चौथा दिन और कल है ग्रे कलर। ठीक है, तो ग्रे रंग की साड़ी मेरे पास नहीं है जहाँ तक, फिर भी देखती हूँ मैं, मिल जाए तो एक आधी। तो कल मिलती हूँ मैं आपको, बने रहे मेरे साथ, तब तक के लिए बाय।